आरआरबी एनटीपीसी लेवल 235 की आज हम बात नहीं करने वाले, ओनली 4 आज हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ में। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 की कट ऑफ को लेके आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ में। और मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ कि लेवल 3 के अंदर जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे ना, जैसे कि मैं आप एक मेरे दोस्त का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, ये मेरा दोस्त है जिसका लेवल 3 के अंदर, आप लोग अपना इसका स्कोर कार्ड तो देखो, आप लोग इसका लेवल 3 के अंदर नंबर क्या क्या है, जैसा कि ये आप लोगों का स्कोर कार्ड है। और आई होप आप सब लोगों ने यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा। इस रेलवे के स्टूडेंट का देखो आप लोग, इन्होंने क्या किया गया है, गोरखपुर से तो अप्लाई किया है, गोरखपुर से अप्लाई टू आरआरबी गोरखपुर से अप्लाई किया है। और ये इनकी पोस्ट प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस के साथ में आप लोग यहाँ पे देखो, गौर करके देखो, ये लेवल 3 का स्टूडेंट है। आप लोग यहाँ पे नीचे देखो, सबसे बड़ी बात नीचे मार्क्स देखो, ये आप लोग नीचे इसके कितने मार्क्स हैं, 96.33, ये इसके रो स्कोर है, ये इसके रो स्कोर है, आप लोग देख सकते हो ये इसके रो स्कोर है। यानी कि एक ऐसा कैंडिडेट है, ये एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जो लेवल 2 और 5 में यदि इसका सिलेक्शन हो जाता है, लेवल 2 और 5 के अंतर्गत इसका सिलेक्शन हो जाता है इस स्टूडेंट का, इस रेलवे स्टूडेंट का, तो समझ जाओ लेवल 3 की एक सीट खाली हो जाएगी। वरना इस ये वाले स्टूडेंट का लेवल 2 और 5 के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो ये समझ जाओ आप लोग ये लेवल 3 के अंतर्गत आएगा ना, ये वाला स्टूडेंट 96.33 मार्क्स लेके बैठा है, तो समझ जाओ आप लोग ये लेवल 3 की यहाँ पे कट ऑफ को फाइट कर जाएगा और इसको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी अपना स्कोर कार्ड देख चुके हैं, आप लोग आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 लेवल यहाँ पे 3 का स्कोर कार्ड जिन भी स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है, ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वीडियो है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वीडियो पे आप सभी लोगों के लिए मैंने जो मेहनत की है ना, इस मेहनत को आप लोग देखिए। आप लोगों को कुछ भी गलती लगता है तो प्लीज माफ कर देना, छोटी मोटी गलती तो माफ कर देना। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। और मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी कुछ है मेरा, यानी कि जो भी कुछ मैंने इस पीडीएफ फाइल के अंदर तैयार किया है, मैं अपना यहाँ पे 100% देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे एनटीपीसी लेवल सीबीटी 2 लेवल 3, लेवल 3 की आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेवल 3 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। और ये लेवल 3 की पोस्ट आप सब लोग जानते हो लेवल 3 की कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है। आप लोगों की यहाँ पे डबल सी और टी सी की, डबल सी टी सी की, देखते हैं कि आखिरकार आपका सपना कंप्लीट होता है कि क्या आप लोग रेलवे के अंतर्गत डबल सी टी सी की पोस्ट ले पाते हो नहीं ले पाते हो। आप लोग अपनी यहाँ पे कट ऑफ देख लेना, आप लोग अपना स्कोर कार्ड मोबाइल के अंदर निकाल लो ताकि आप लोग अपने यहाँ पे स्कोर कार्ड मिला पाओ। मैं कट ऑफ यहाँ पे बताना शुरू करता हूँ, आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये अपनी वीडियो के यहाँ पे ये देखो, ये अपना यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है ना, ये वीडियो आप लोगों के सामने जो आ रहा है ना, इस वीडियो का लेवल 3 की आल आल आर बी जोन भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने ये सीरीज का 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों का 1, 2, 3 ये 4 वीडियो मैंने तीन वीडियो मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ और ये 4th वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखे 1, 2, 3 उनके अंदर मैंने आप लोगों को जोन को कवर किया है, कट ऑफ सही से कवर किया है, और जो भी सिमिलियर बात है जोन के लिए वो मैंने वहाँ पे ऐड की है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस जोन के अंतर्गत, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो 6 जोन की देखेंगे, आखिरकार वो 6 जोन कौन से हैं जहाँ पे लो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे कुछ ऐसे जोन भी जो टफ जोन के अंतर्गत भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 6 जोन को डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। और ये आप लोगों के यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे आप लोगों के जोन है यहाँ पे जिनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेहनत हुई है दोस्तों, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती, आपका प्यार मिलेगा तो ये मेहनत भी सही चल जाएगी। और आप लोगों का यदि आप लोगों ने वहाँ पे जो लेवल 3 के अंदर स्कोर कार्ड अच्छा आ रहा है तो देखना आप लोगों की जॉब भी जरूर लगेगी। आप लोग यहाँ पे डबल सी टी सी की यहाँ पे डबल सी टी सी की यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पे आप लोग पोस्ट ले पाओगे और आपका जो घर में 2 पैसों की जो बेरोजगारी चल रही ना उसको दूरी कर पाओगे। तो आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आप लोगों का, जो आप लोगों की यहाँ पे क्या है दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का स्कोर कार्ड आप लोगों ने देखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाया इस बंदे का, हालांकि ये बंदा जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये वाला जो बंदा दिखाया ना यहाँ पे, इस बंदे को तो कोई टेंशन नहीं है। इस बंदे का मैं खुद बता रहा हूँ, इस बंदे का डेफिनेटली सिलेक्शन धरा है, इस बंदे का डेफिनेटली देखो सिलेक्शन लगा है, क्योंकि 96.33 इसके मार्क्स है, रो स्कोर है, और प्रोरेटेड स्कोर भी इसके 96.33 है। अब सोचो आप लोग 120 के अंतर्गत, आप लोग खुद ही सोचें यहाँ पे ये वाला जो बंदा है
इसने 120 में से 120 में से यहाँ पे आप लोगों का 96.33 यहाँ पे मार्क्स प्राप्त किया है। तो इसका तो आराम से हो जाएगा, इसको तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इसने गोरखपुर से भी अप्लाई किया है, तो गोरखपुर की कट ऑफ भी मैं इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ, यहाँ पे पता लग जाएगा इसका होगा या नहीं होगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, जोन वाइज कट ऑफ बताने की मैं कोशिश करूँ यहाँ पे पूरी कोशिश। दोस्तों वीडियो के अंदर जो मेहनत हुई है ना, उसका मेहनत का परिणाम आप लोगों के हाथ में ही है, आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। तो आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे समझ रहे हो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आप लोगों के सामने RRB चेन्नई, और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ईज जोन के अंतर्गत आया है। जब RRB चेन्नई की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये साउथ इंडिया का साउथ पार्ट है, और साउथ पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हमारा जो कंपटीशन होता है, जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता है ना, वो कंपटीशन थोड़ा लो लेवल का होता है। यानी कि कट ऑफ जो मार्क्स जाते हैं ना आप लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होके जाते हैं, यानी कि ये ईज जोन के अंतर्गत आता है। तो इसी कट ऑफ देखते हैं। इसी कट ऑफ देखने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि आप लोगों को यहाँ पे ये कट ऑफ मैंने जो तैयार किया ना, ये जो मैंने आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया ना, ये कट ऑफ आप लोग देखना भी, ये कट ऑफ भी बता रहा हूँ मैं, चेन्नई की कट ऑफ भी देखना आप लोग। पहले ये देखो आप लोग, ये चेन्नई का ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चेन्नई गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। ये लेवल टू का आप लोगों का स्कोर है, जो चेन्नई के अंदर आप लोगों की जनरल SC ST OBC EEE की जो यहाँ पे कट ऑफ गई है ना जनरल के अंतर्गत, ये वही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेवल टू की जनरल की यहाँ पे गई थी 65, CBT 2 की कट ऑफ है। अभी ये टाइपिंग की तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि टाइपिंग के बाद में जो कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसकी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो जनरल की यहाँ पे 65.33 गई है, SC की यहाँ पे 53.67 गई है, ST की यहाँ पे 49 गई है, OBC की यहाँ पे 62, EEE की यहाँ पे आप लोग EEE की यहाँ पे गई है आप लोगों को 56 गई है, EEE की यहाँ पे 56 गई है। इसी के साथ में आप लोगों को मैं ये जो कट ऑफ बताइए, ये लेवल टू की CBT 2 की कट ऑफ है। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब फाइनल कट ऑफ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे, आप लोगों की सोच सकते हो यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ जाएगी लेवल थ्री की, जो कि लेवल थ्री, तो आप लोगों ये तो आप लोगों की लेवल टू की को लेवल टू की यहाँ पे पोस्ट है, बोले तो यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पे ये कट ऑफ है। अब टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पे कट ऑफ तो कम ही जाती है, अब टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है उसका तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो हम तो लेवल थ्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे NTP की बात कर रहे हैं। यहाँ पे NTP का मतलब है, यहाँ पे NTP का जो मैं आप लोगों को शॉर्ट नाम बोलूँ तो NTP का मतलब समझना आप लोग, नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे देखें तो चेन्नई की देख लेते हैं पहले। तो चेन्नई RRB चेन्नई के अंदर तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो चेन्नई के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है यहाँ पे आप लोगों को DD के लिए 1:1 के अंदर जो बुलाया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, चेन्नई के आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देखो। तो चेन्नई की जो कट ऑफ जाने वाली है आप लोगों को यहाँ पे, तो जनरल के आप लोगों के सामने जो जनरल की जाने वाली है यहाँ पे, जनरल की जाएगी आप लोगों की यहाँ पे 93 से 93 के बीच में ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है लेवल थ्री की, चेन्नई जोन से रहने वाली है, चेन्नई जोन से यहाँ पे रहने वाली है। इसी के साथ में हम लोग आगे नीचे चले तो नीचे के अंदर आप लोग नीचे देखोगे आप लोग EEE की यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे 83 से 86 के बीच में रहने वाली है। OBC की यहाँ पे आप लोगों को 82 से 85 के बीच में रहने वाली है। और आप लोग नीचे देखो यहाँ पे SC की यहाँ पे आप लोगों को SC की यहाँ पे दिखेगी आप लोगों को 73 से 77 के बीच में, और ST की यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी 70 से 72 के बीच में। और यहीं पे आप लोग एक नोट कर लो ये बात, ये जो मैं आप लोगों को मार्क्स बता रहा हूँ ना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये हालांकि ओरिजिनल कट ऑफ जो आएगी ना वो तो रेलवे के द्वारा ही जारी की जाएगी एक ऑफिशियल कट ऑफ, तो पर यहाँ पे ये कह सकते हैं हम, यहाँ पे आप लोग -1 या -2 जा सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे +1 या आप लोग यहाँ पे +2 जा सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग चेन्नई जोन के अंतर्गत सेफ हो। और वैसे भी चेन्नई जोन हमारे इंडिया के साउथ पार्ट के अंतर्गत आता है तो वहाँ पे कट ऑफ तो कम ही जाती है। इसी की तरह से हम लोग यहाँ पे मुंबई देख लेते हैं। मुंबई जो आप लोगों का यहाँ पे आता है मिड जोन के अंतर्गत आता है, जो मैंने अब अभी चेन्नई दिखाया है। हालांकि मैंने चेन्नई की आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दिखाई, तो एक बार चेन्नई की यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं फिर मुंबई जोन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग चेन्नई की एक बार देख लेते हैं कि लेवल थ्री यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी है। तो चेन्नई की एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो नंबर वैकेंसी चेन्नई के अंदर हालांकि काफी ज्यादा होनी चाहिए, मैंने अभी देखा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो चेन्नई के अंदर आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी, ये आप लोगों का चेन्नई ये रहा, आप लोगों का नीचे है ये आप लोगों का चेन्नई ये रहा। तो चेन्नई के अंदर आप लोग यहाँ पे देखिए, तो चेन्नई के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी लेवल थ्री की यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, ये आप लोगों का चेन्नई बोर्ड हो गया। इस चेन्नई बोर्ड के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देखो
चेन्नई बोर्ड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी कंबर सी कम टिकट कलर की, आप लोगों को यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी, यहाँ पे 495 पोस्ट है। देखो इस ये वाली लाइन देखो आप लोग, कंबर सी कम टिकट कलर की 495 पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट कलर की, जो कि आप लोगों के यहाँ पे साउथ रीजन के अंतर्गत आता है चेन्नई। तो यहाँ पे जनरल की, यहाँ पे आप लोगों को जनरल की कितनी है, मैं इसको छोड़ा था जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ दिख जाए। तो जनरल की आप लोग मिला लेना यहाँ पे 200 है, एससी की 72 है, एसटी की यहाँ पे 38 है, ओबीसी की यहाँ पे 134 है और टोटल यहाँ पे 54 है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएससी हो गई 495 पोस्ट है। आप सोच सकते हो 495 पोस्ट कम नहीं होती। अभी और जोन की बताऊंगा ना उसके अंदर तो नंबर ऑफ वैकेंसी कहीं कहीं तो 65 हो रहा है पटना जैसे यहाँ पे आरआरबी के अंदर। तो ये लेवल 3 की आरआरबी चेन्नई के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज रही। अब हम बात कर लेते हैं हमारा दूसरा जोन जो कि लेवल 3 के, यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहे थे ना, तो लेवल 3 के यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट, ये बिलासपुर आ गया आप लोगों का। मैंने यहाँ पे 6 जोन लिए ना, तो आप लोग मिला ना यहाँ पे आप लोग यहाँ पे, तो ये आप लोगों का मुंबई आ गया। तो मुंबई के अंदर हम कट ऑफ की बात करें तो मुंबई के अंदर यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, पहले क्या करते हैं मुंबई की यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं मुंबई की कितनी क्या वैकेंसी है। तो मुंबई की नंबर ऑफ वैकेंसी देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे मुंबई, आप लोगों का कोलकाता, ये रहा, ये देखो आप लोगों का मुंबई, ये रहा, मुंबई को डाउनलोड कर लेते हैं। तो लेवल 3 की मुंबई के अंदर यानी कि डबल सी और टीसी की कमर्शियल कम टिकट कलर की आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। तो जूनियर यहाँ पे आप लोगों की खा गया वो आप लोगों का, ये आप लोग देख सकते हो। सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर की आप लोग यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। कितनी टोटल पोस्ट है, ये 3 रीजन के अंदर डिस्कशन है। सेंट्रल रीजन के अंतर्गत आता है मुंबई, ये मुंबई आप लोगों के साउथ सेंट्रल रीजन के अंदर आता है और वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों पार्ट यहाँ पे आप लोगों का, ये लेवल 3 की यहाँ पे पोस्ट है, L3 की यहाँ पे पोस्ट है। L3 की यहाँ पे पोस्ट कितनी हो गई, 149 प्लस आप लोगों का यहाँ पे 5 और प्लस आप लोगों का यहाँ पे 222, यानी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई के अंदर। पर ये है कि नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, एनटीपी की पोस्ट है, यहाँ पे तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो एक बार मुंबई की भी देख लेते हैं आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मुंबई की जो कट ऑफ रहने वाली है, आप सभी लोगों के यहाँ पे आंखों के सामने है। तो मुंबई की जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की यहाँ पे जनरल की यहाँ पे जाने वाली है 86 से लेकर आप लोगों की 90.7 के बीच में जा सकती है। हालांकि आप लोग यहाँ पे -1 और -2, आप लोगों के यहाँ पे +1 और +2 के बीच में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग सेफ हो, आप लोगों के नंबर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और आगे देखने की कोशिश करते हैं मुंबई के अंदर लेवल 3 की जो कट ऑफ है यहाँ पे आप लोगों की ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 82.7 से 88.8 के बीच में रहने वाली है। आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देखना, ओबीसी की यहाँ पे रहने वाली है 80 से 83 के बीच में, एससी की यहाँ पर रहने वाली है 76 से 79 के बीच में, एसटी की यहाँ पर रहने वाली है 69 से 72 के बीच में। ये मुंबई जोन आप लोगों का कैटेगरी वाइज कंप्लीट होता है मुंबई जोन। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख लेना आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। अब तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा जोन है आप लोगों का यहाँ पे, तीसरा जो जोन है हमारा आरआरबी रांची। पहले नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं आखिरकार आरआरबी रांची के अंदर लेवल 3 की क्या पोस्ट है। हालांकि देख लेते हैं नंबर आंखों के सामने देख लेते हैं ना कि कितने क्या पोस्ट है। तो रांची के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो रांची के अंदर आप लोगों ये रहा आप लोगों का रांची। तो रांची के अंतर्गत हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे रांची के अंतर्गत यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी देख लेते हैं एक बार कितनी क्या वैकेंसी है रांची के अंतर्गत। तो रांची के अंदर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों का कमर्शियल कम टिकट कलर का आप लोगों का यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है रांची, ईसीआर और एसईआर। तो यहाँ पे जोड़ेंगे आप लोग 148 प्लस आप लोगों का यहाँ पे 79, ये आप लोगों का रांची के अंतर्गत आरआरबी रांची के अंदर लेवल 3 की पोस्ट है। अब देखते हैं कि आप लोगों को मिलती है नहीं मिलती है। आप लोग यहाँ पे कट ऑफ अपना स्कोर कार्ड मिला लेना, यहाँ पे स्कोर कार्ड में अंदर आप लोग यहाँ पे मिलाओ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा जनरल की आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी 90 से 92 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आप लोगों को 84 से 86 के बीच में, ओबीसी की यहाँ पे 83 से लेकर 85 के बीच में, एससी की यहाँ पे आप लोगों को 75 से 78 के बीच में, और रही बात आप लोगों की यहाँ पे एससी की यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी 72 से 72 के बीच में। ये आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ होती है, ये किसकी कट ऑफ होती है, रांची जोन की यहाँ पे कट ऑफ कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं गोरखपुर की यहाँ पे, तो गोरखपुर की भी देख लेते हैं। और गोरखपुर का ही वो लड़का है, गोरखपुर का ये लड़का है, अब लड़का है देखो गोरखपुर का ये लड़का खगा है वो आप लोगों का, ये गोरखपुर का कट ऑफ है। अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसका इसको डीवी के लिए बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, आप खुद ही देख सकते हो। ये इनके रो स्कोर है और नीचे प्रो रोटेड स्कोर है। रो स्कोर आप लोग देखो 96.33,
अब गोरखपुर की देख लेते हैं कट ऑफ। अब गोरखपुर के अंदर इसका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे इसका कैटेगरी तो नहीं पता कैटेगरी क्या होता है। और ये सभी कैटेगरी जो फाइट कर जाता है वहाँ पे, तो डेफिनेटली एक बार देख लेते हैं सभी कैटेगरी जो फाइट करता है नहीं करता है। इसका 96 है यहाँ पे। ये आप लोगों का बिलासपुर आ गया, ये आप लोगों का तिरुवनंतपुरम हो गया, ये आप लोगों का गोरखपुर आ गया। और 96 से नीचे नीचे सभी कैटेगरीज वाइज की कट ऑफ आ रही है। तो ये बच्चा तो डीवी के अंदर इसको डेफिनेटली बुलाया जाएगा और इसकी इसको लेवल 3 यानी कि डबल सी टी सी की यानी कि टिकट क्लर्क की यहाँ पे आप लोगों को इसकी यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। तो गोरखपुर के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, तो आप लोगों को यहाँ पे गोरखपुर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो वैकेंसी दिखाई देगी आप लोगों को यहाँ पे गोरखपुर की, तो क्या है गोरखपुर की एक बार देख लेते हैं। गोरखपुर की यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी क्या है, तो गोरखपुर के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे गोरखपुर खा गया आप लोगों का मुजफ्फरपुर, तो ये रहा, और ये आप लोगों का गोरखपुर, आप लोगों का गोरखपुर अहमदाबाद बेंगलोर गोरखपुर गोरखपुर, ये रहा आप लोगों का गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर हम नंबर ऑफ वैकेंसी देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे गोरखपुर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी दिखाई देने वाली है। यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आप लोगों को एक ही रीजन है एनईआर के अंदर आप लोग यहाँ पर टोटल देख सकते हो 200, ये वाला देखो आप लोग, ये देखो आप लोग 231 यहाँ पे पोस्ट है, 231 पोस्ट है, वैसे कम नहीं है पोस्ट भी यहाँ पे। तो एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कट ऑफ क्या जाने वाली है लेवल 3 यहाँ पे। गोरखपुर के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की आंखों के सामने है, तो गोरखपुर वाली आप यहाँ पे देखो कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है आप लोगों की जनरल से 86 से 89 के बीच में, और ईडोलेस की यहाँ पे 85 से 87 के बीच में। और मैं नीचे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँ आप लोगों को यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की यहाँ पे 89 से 92 के बीच में, और नीचे जो आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ दिख रही होगी 72 से मैंने जो कट ऑफ लिखा लगाया ना 72 से यहाँ पे आप लोगों को देखना 74, और ये मैंने प्लस वाला जो आइकन लगा रहा है ना इसका मतलब ये समझो आप लोग यहाँ पे पॉइंट 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 8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, पर इसके इर्द गिर्द ही आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ में एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है 71 से आप लोगों के 72 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जोन तिरुवनंतपुरम, आप लोग देख सकते हो तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखने की कोशिश करते हैं कि लेवल 3 की तिरुवनंतपुरम के अंदर कितनी क्या वैकेंसी है। तो लेवल 3 की यहाँ पे तिरुवनंतपुरम खा गए आप लोगों का, ये रहा देखो तिरुवनंतपुरम यहाँ पे देख लेते हैं तिरुवनंतपुरम, ये आप लोगों का तिरुवनंतपुरम रहा, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अरे ये कौन सी डाउनलोड हो गई, ये तो आप लोगों का सिलीगुड़ी की डाउनलोड हो गई। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे लेवल 3 की कितनी क्या वैकेंसी है। तो लेवल 3 की आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तिरुवनंतपुरम के अंदर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आप लोगों की यहाँ पे 173 वैकेंसी है। हालांकि जो अभी जो जोन देखा है उसके अंदर 271 थी, इसके अंदर थोड़ी कम है, तो 173 वैकेंसी है। 173 के अंदर देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है आप लोगों के यहाँ पे, तो कट ऑफ जो रहने वाली है आप लोगों की आंखों के सामने है, तो ये आप लोगों की तिरुवनंतपुरम के अंदर जो भी भाई तिरुवनंतपुरम से, तो आप लोग यहां पे कट ऑफ देखना जनरल की यहां पे 83 से 85 के बीच में, ईडोलेस की यहां पे 74 से 76 के बीच में, ओबीसी की यहां पे 80 से 82 के बीच में, एससी की यहां पे 72 से 74 के बीच में, 68 से 70 के बीच में, ये एसटी की कैटेगरी की यहां पे कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आप लोगों का तिरुवनंतपुरम कंप्लीट होता है। अब एंड लास्ट एंड फाइनल आप लोगों का नीचे एक और जोन है, सातवां भी लिया है मैंने। सातवां क्यों लिया है मैं बता दूंगा यहाँ पे, किसी का कॉल आया था यहाँ कि इस जोन को यहाँ पे दिखाना मुझे, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे बिलासपुर को देख लेते हैं, हालांकि बिलासपुर एक टफ जोन के अंतर्गत आता है। टफ जोन का मतलब सीधा सा आप लोग ये समझो, जो भी यहाँ पे टफ जोन होता है ना, टफ जोन का मतलब ये होता है इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है और जोन की तुलना में, इसलिए तो यहाँ पे देखो आप लोग खुद ही देख लो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ आई है। तो एक बार बिलासपुर की यहाँ पे कट ऑफ देखने से पहले एक बार बिलासपुर की नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं कि आखिरकार बिलासपुर के अंतर्गत लेवल 3 की कितनी क्या पोस्ट है। तो बिलासपुर के अंतर्गत आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगी, ये आप लोगों का बिलासपुर, ये रहा आप लोगों का बिलासपुर, ये रहा आप लोगों का। तो बिलासपुर के अंदर आप लोगों को यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो देखने को मिलेगी ये आपकी आंखों के सामने है, ये बिलासपुर, ये रहा आपकी आंखों के सामने। अब बिलासपुर के अंतर्गत सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आप लोगों को यहां पे 94 और प्लस आप लोगों की यहाँ पे 66 के बीच में आप लोगों की यहाँ पे टोटल कर देना आप लोग यहाँ पे इतनी वैकेंसी है, हालांकि उससे भी कम यहाँ पे वैकेंसी है। इवन यहाँ पे कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिलासपुर के अंतर्गत कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो बिलासपुर के अंतर्गत आप यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे जनरल की यहाँ पर रहने वाली है 90 से 92 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 88 से 90 के बीच में, ओबीसी की यहाँ पे 87 से 90 के बीच में, एससी की यहाँ पे 80 से 82 के बीच में, एसटी की यहाँ पे 78 से 80 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। अब देख लेते हैं एंड लास्ट एंड फाइनल जो आप लोगों का जोन है यहाँ पे, इसी कट ऑफ भी देख लेते हैं। इसी कट ऑफ आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेना आप लोग अपनी वैकेंसी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो ये कोलकाता की आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देखना, आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेना कि L3 की कितनी क्या है, NTP की, NTP का मतलब कितनी बार बताऊँ, नॉन टाइपिंग पोस्ट है यहाँ पे। तो जनरल की आप लोग यहाँ पे देखो, जनरल की जाएगी यहाँ पे 87 से 90 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 85 से 88 के बीच में, और आप लोगों का यहाँ पे
यहाँ पे आप लोगों का ओबीसी के यहाँ पे 80 से 83 के बीच में, और यहीं पे आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आप लोगों का यहाँ पे एससी के यहाँ पे 76 से 79 के बीच में, और एसटी के यहाँ पे 69 से 72 के बीच में। जो अब आप लोगों को मैंने जो कट ऑफ बताई यहाँ पे, कितने जोन की मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई आप लोगों को, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लोगों का कोलकाता रीजन की बता दी मैंने आप लोगों को, यहाँ पे बिलासपुर की बता दी मैंने आप लोगों को, यहाँ पे लेवल थ्री की तिरुवनंतपुरम की बता दी मैंने आप लोगों को, यहाँ पे गोरखपुर की बता दी आप लोगों को, यहाँ पे विद प्रूफ भी बताया अभी, रांची की बता दी मैंने आप लोगों को, यहाँ पे मुंबई की बता दी आप लोगों को यहाँ पे मैंने, और आप लोगों का कौन सा जोन है ये आप लोगों का चेन्नई की बता दी यहाँ पे। यानी कि लगभग लगभग मैंने यहाँ पे आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आप लोगों का सात जोन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, सात जोन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर जोन थे जो आप लोगों के कमेंट आते थे। और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे एक नोट बताना चाहता हूँ, और वो नोट क्या है आप लोगों का, यहाँ पे ये नोट सुन लो आप लोग, ये नोट डाल लो आप लोग, मैं पूरे के पूरे जो 21 जोन है उसके ऊपर मैं आप लोगों का L3 की यहाँ पे कट ऑफ लेने वाला हूँ। हालांकि वो वीडियो लंबा होगा, पर आई होप आप सब लोगों को वहाँ पे सपोर्ट करना है उस वीडियो के अंदर, वो या तो आ जाएगा ये कल परसों में आप लोगों को यहाँ पे लेवल 3 की 21 जोन ये कंप्लीट वीडियो आने वाली है लेवल 3 पे NTP की नॉन टाइपिंग पोस्ट की। तो ये आप लोगों का आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, जो कि मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे पूरी कोशिश की है। पर ये ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पे लेवल 3 के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 8 गुना बच्चों में से 1 गुना बच्चे लेंगे लेवल 2-5 के अंदर, और यहाँ पे 7 गुना बक्के आ जाएंगे, जिसकी वजह से लेवल 3 की आप लोगों को यहाँ पे लेवल यहाँ पे कमर्शियल टिकट कलर की आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट मिलना थोड़ा दुर्बल हो जाएगा। हालांकि कठिन तो नहीं होगा, आपके आपके नंबर मार्क्स है जैसे कि 96 इस वाले स्टूडेंट के हैं, तो इसको तो दुर्बल नहीं होगा, इसको आराम से इसका सिलेक्शन हो जाएगा आपके आपके ज्यादा मार्क्स है तो। पर ये लेवल 2 और 5 में हो जाता है इसका सिलेक्शन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोगों को लेवल 3 की लेवल 3 की गोरखपुर से है ना, तो यहाँ पे कट ऑफ इसको यहाँ पे एक बच्चे की सीट खाली हो जाएगी। तो ये था आज का ये वीडियो, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मेरी मेहनत के ऊपर आप लोगों को विश्वास लगा होगा कि मैंने जो कुछ भी समझाया वो मैंने मेहनत की है आप लोगों को समझाने के लिए, और आप सब लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और यही 3 कारण थे जो आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ को ऊपर निर्भर करते हैं, रैंक आई को और आप लोगों का नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे और नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये तीनों निर्धारित करते हैं कि आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाली इस जोन के अंतर्गत। तो ये था आज का ये वीडियो यार, सपोर्ट कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thanks keep my watching YouTube videos।